द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमला हुआ है, वो भी सीधे तौर पर राहुल गांधी की कार पर। कार के शीशे तोड़ दिए गए पत्थर मार्क, इसके बाद वहां भगदड़ मच गई। आप अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए कि कैसे राहुल गांधी की कार का शीशा टूटा हुआ है, इस पर पत्थर फेंके गए थे, वहां हंगामा भी हुआ। राहुल गांधी की सुरक्षा में खड़े लोग उस भीड़ को पीछे ढकेलने के लिए चिल्ला रहे हैं और भीड़ से आवाज आ रही है, हम लोग यहां से नहीं जाएंगे। और इसके बाद वहां काफी अफरा तफरी का माहौल भी हुआ है। पहले इस वीडियो को जरा देखिए, सुनिए कि वहां पर हुआ क्या। अरे तो देखा आपने, यहाँ जो घटना घटी है उसके बाद उस ग्राउंड में आप राहुल गांधी की टूटी हुई कार देख सकते हैं। राहुल गांधी बाहर भी निकले और फिर वहां से वो अपने बस में जाकर बैठ जाते हैं, बाकी लोग उस भीड़ को समझाने की कोशिश करने लगते हैं। यह घटना पश्चिम बंगाल के मालदा में हुई बताई जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त पश्चिम बंगाल में है और इसको लेकर अधीर रंजन चौधरी ने भी बड़ी प्रतिक्रिया दी है कि बंगाल में उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि जैसे ही इंडिया गठबंधन में दरार पड़ी तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस के खिलाफ भी बिगुल फूंक दिया कि हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस का साथ भी नहीं चाहिए। ऐसे में इंडिया गठबंधन जहां एक ओर डगमगाता हुआ दिखाई पड़ने लगा, तो दूसरी तरफ जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची है तो यहां पर बखेरा खड़ा हो गया है, भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक और वीडियो क्लिप दिखाते हैं कि मीडिया वाले उसी टूटी कार के पीछे पीछे भाग रहे हैं और कार ड्राइवर राहुल गांधी के उस कार को लेकर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। जरा देखिए इस वीडियो में वहां क्या स्थिति हुई है। तो देखा आपने, इस वीडियो में भी आपको राहुल गांधी के कार का शीशा टूटा हुआ ही नजर आएगा। रोहित जैन ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा भी, ममता बनर्जी शासित पश्चिम बंगाल में मालदा में राहुल गांधी की कार पर हमला हुआ, उफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और इस वीडियो में आप देख रहे हैं ग्राउंड से वो कार निकल रही है। ऐसे परिस्थिति में पश्चिम बंगाल का माहौल अच्छे से समझा जा सकता है, राहुल गांधी के साथ क्या हुआ होगा। हालांकि इस खबर को लेकर धीरे धीरे तस्वीरें स्पष्ट होने लगी हैं कि घटना कैसे घटित हुई, किस कारण से कार का शीशा टूटा है, क्या वाकई में पत्थर फेंका गया था, भगदड़ वहां पर मची है, ऐसी खबरें आई हैं। इसको लेकर जो दूसरा पक्ष है इसमें खंडन की बात भी सामने आ रही है, वो हम बताते हैं आगे। लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट को और भी गौर से देख लीजिए। कार की हालत देखने के बाद तो कोई भी कहेगा कि यह हमला ही था। यहां पर वे टू एसएमएस पर ब्रेकिंग खबर आती है। राहुल गांधी का विजुअल इनके पास पीटीआई का है, लेकिन इस वजह से हम इस पीटीआई के विजुअल को नहीं दिखाएंगे, उसे टूटे हुए कार और पीछे दौड़ती भीड़ का विजुअल है वो, इसे नहीं दिखा सकते हैं, पीटीआई का कॉपीराइट मसला है। लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है वो तो आप देख ही सकते हैं। यहां लिखा गया है कि पश्चिम बंगाल के मालदा में राहुल गांधी की कार पर हमला हुआ है, किसी व्यक्ति ने पीछे से पत्थर मार दिया जिससे कार का शीशा टूट गया। हमले के बाद वहां भगदड़ मच गई, गनीमत रही कि राहुल गांधी बाल बाल बच गए। इसके बाद राहुल कार से निकलकर बस में बैठ गए और प्रशासन ने लोगों को शांत कराया है, ऐसी रिपोर्ट सामने आई। लेकिन अभी इस खबर के दौरान ही हमें जानकारी मिली है कि इस खबर का खंडन भी हुआ है, दूसरा पहलू भी है। लेकिन तब तक अधीर रंजन चौधरी ने इस मामले में बड़ी प्रतिक्रिया दे दी। प्रभात खबर पर यह रिपोर्ट छपी, इसमें हेडलाइन देखिए, कहा जा रहा है कि मालदा में राहुल गांधी की कार पर हमला, गाड़ी पर फेंका गया पत्थर, अधीर रंजन ने कहा यह एक साजिश है। अब ऐसे में क्या है मामला, क्या विवाद हुआ है, जरा इस खबर को थोड़ा देख लेते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए कि अधीर रंजन की प्रतिक्रिया क्या व्यर्थ है या वाकई में उन्हें इस वक्त बंगाल में खतरा है, राहुल गांधी को खतरा है। लिखा हुआ है,
राहुल गांधी के साथ उस कार में खुद अधीर रंजन भी मौजूद थे। कांग्रेस नेता की कार का शीशा तोड़ने पर अधीर का तंज आया। जितना विरोध हो सकता था हुआ। इस असहयोग की शुरुआत कूच बिहार से हुई है। दरअसल राज्य के विभिन्न जिलों के विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के लिए प्रशासन के अधिकारी अलग अलग गेस्ट हाउस में ठहरे। इस कारण से तृणमूल ने तर्क दिया है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के लिए कोई गेस्ट हाउस या स्टेडियम उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि तृणमूल सरकार सहयोग नहीं कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद जिले में प्रवेश के बाद राहुल को जिस स्टेडियम में रात गुजारनी थी उसे भी इजाजत नहीं दी गई। इस घटना को साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। यह पूरी खबर है। अब यहां से जो भी राजनीतिक मसला है, पहलू है, उसके बाद राहुल गांधी के अगर कार का शीशा टूटता है तो निश्चित तौर पर यही खबर जाएगी कि हाँ, शीशा टूटा है तो किसी ने पत्थर फेंका या हमला किया है, राहुल गांधी खतरे में है। अब आते हैं इसके पहलू पर, दूसरे पहलू पर। खंडन क्या छपा है? बताया जा रहा है कांग्रेस के तरफ से ही, सुप्रिया श्रीनेत ने बयान दिया है कि यह स्पष्टीकरण है कि राहुल गांधी के कार के शीशे पर हमला नहीं हुआ, कार का शीशा किसी और कारण से टूटा है। और यह कैसे टूटा है, इसको लेकर सीधे सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट को हम लोग देखेंगे, जो न्यूज 24 ने उनके स्क्रीनशॉट को शेयर किया है। न्यूज 24 ने लिखा है, सुरक्षा घेरे में इस्तेमाल किए जाने वाली रस्सी से राहुल गांधी की कार की विंडशील्ड टूटी है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर बताया। अब इनके ट्वीट में क्या है सुप्रिया के, जरा देखिए। गलत खबर का स्पष्टीकरण जरूरी है। राहुल जी से मिलने अपार जनसमूह आया हुआ था। एक महिला उनसे मिलने के लिए जब एकदम से आगे आ गई तब कार को अचानक रोकना पड़ा। सुरक्षा घेरे में इस्तेमाल किए जाने वाले रस्से से कार की विंडशील्ड टूट गई। राहुल जी न्याय की लड़ाई मुस्तैदी से लड़ रहे हैं और यह देश न सिर्फ उनके साथ खड़ा है बल्कि उनको सुरक्षित भी रखे रहेगा। अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से ही आई इस प्रतिक्रिया ने इस घटना पर विराम लगाने की कोशिश की है कि पश्चिम बंगाल में यह संदेश गलत ना फैले कि राहुल गांधी के इस अपार रैली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कोई भगदड़ मची है या कार का शीशा तोड़ दिया गया है। हालांकि अब कहना है कि विंडशील्ड जो है रस्सी के टकराने से टूट गई है। हालांकि रस्सी के टकराने से विंडशील्ड अगर टूट जाता है तो यह बहुत बड़ी बात है। यहां से खबर को जरा देखिए कि राहुल गांधी के लिए बंगाल में कितना बड़ा जनसैलाब आया है। कांग्रेस ने ही एक ट्वीट किया, उसमें विजुअल है, आप अपने स्क्रीन पर उस विजुअल को देखिए। अन्याय के खिलाफ न्याय का जनसैलाब यह दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से पूरे प्रदेश में जहां जहां जा रहे हैं। यह विजुअल बिहार के बताया जा रहा है और बिहार के बाद ही वो कूच बिहार होते हुए बंगाल में जब वो प्रवेश करते हैं तो बंगाल में उनके साथ घटना घटी है। लेकिन इस भीड़ को देखिए, ऐसी ही भीड़ बंगाल में भी है। जनसैलाब खूब उमड़ता है। राहुल गांधी से प्यार करती है जनता, इसमें कोई शक गुंजाइश की बात नहीं है। और यह खबर बहुत बड़ी हो जाती है कि जब राहुल गांधी के कार का शीशा टूट जाए, एक ऐसे नेता जिनके परिवार पर हमेशा खतरा रहा है, वो व्यक्ति अभी भी सड़कों पर दौड़ रहा है, लोगों के बीच जा रहा है, तो निश्चित तौर पर इसका व्यापक असर तो होगा। और ऐसे में हो सकता है कोई दुश्मन, कोई चिढ़ने वाले इनके पीछे पड़े। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने राहत भरी खबर दी है कि यह समर्थकों से मिलने के दौरान हुई घटना है, इसमें चिंता की बात नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।